नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव सेशन को आगे बढ़ाते हुए, जो बायोलॉजी का मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ उसका सेशन में आगे बढ़ाते हुए आज मैं पार्ट टू लेकर आया हूँ। इसमें भी आपके 28 क्वेश्चंस होंगे, तो आइए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा जो है वो अगुणित है? तो कौन सा अगुणित है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डिम। नेक्स्ट है, एक अलील है। एक अलील क्या है, तो उसे बोलते हैं जीनों के वैकल्पिक प्रकार को एक अलील बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है? आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह को हम लोग आहार नाल या आहार जाल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका माइकोराइजा। नेक्स्ट है, जेमुलस पाए जाते हैं, तो जेमुलस कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है आपका स्पंज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक समान मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर से है से शादी करता है, तब, अब देखिए इसका ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। पहला दिया है, सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। सेकंड, सभी पुत्रियां हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। सी नंबर जो है, 75% संतति जो है हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, या 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 50% पुत्र जो होंगे उन्हें हीमोफीलिया हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी को प्रथम उपभोक्ता माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो धान के खेत में उपयुक्त होती है। इनमें से किस पौधों में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? तो क्लिस्टोगैमी आपका कॉमेलिना में पाया जाता है। नेक्स्ट है, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है क्या कहलाता है? तो उसे ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं, जिसका राइट आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है? तो यह सबको आपको पता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का खाने वाला भाग क्या है? तो लीची के खाने वाले भाग को एडिल बोलते हैं। ठीक है ना, 64 कोडोन में कितने एमिनो अम्ल के कोड होते हैं? इसमें आपके 61 एमिनो अम्ल के कोड होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रासायनिक पदार्थ। बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेवेनहॉक। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? पहला है, तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। नेक्स्ट है, तुल्य रूपता अभिसारित विकास पर आधारित है। नेक्स्ट है, समगतता अभिसारी विकास पर आधारित है। और लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा था जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका लैमार्क। नेक्स्ट है, थॉमस माल्थस के कार्य हैं, तो थॉमस माल्थस के जो कार्य हैं उसे बोलते हैं पॉपुलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है,
शकरकंद और आलू किसके उदाहरण हैं? शकरकंद और आलू किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है एनालॉगस का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, एसएल मिलर कौन थे? एसएल मिलर कौन थे? तो ये जो थे अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर दोज बीच हैव, तो इसका राइट आंसर जो होगा सेम बॉडी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, शारीरिक संरचना समान होती है लेकिन उनके कार्यकलाप जो होते हैं वो भिन्नता होती है। निम्नलिखित में कौन जो है आपका ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के जिम्मेदार है? विच एमंग फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। कोकिन इज ऑप्टेंट फॉर्म, ठीक है, कोकिन किससे प्राप्त किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इरिथ्रोजाइलोन कोक से, ठीक है। नेक्स्ट है, अफीम के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ ऑपियम कॉज्ड, इसका राइट आंसर जो होगा वो लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी भी होता है, ठीक है, बॉडी के वेट में शरीर में अचानक से वजन में कमी हो जाए, या लॉस ऑफ एपेटाइट, भोजन में रुचि जो है कम जाए, ठीक है, खाना की इच्छा ना हो। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी इसका मतलब होता है बच्चे ना होना, ये सब कारण हो सकते हैं अफीम के अत्यधिक प्रयोग से, इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट है, सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाई, तो एक्टिव इम्यूनिटी जो डिस्कवर्ड की गई थी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से नन ऑफ द अबव होगा। लेकिन आखिर बात आती है कि इसके खोजकर्ता थे कौन, इस ऑप्शन में उसका आंसर नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो रिचर्ड डनिंग, ठीक है, रिचर्ड, आप सिर्फ रिचर्ड याद रखिए, ठीक है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी के जो डिस्कवर किए थे, जो खोज किए थे सक्रिय प्रतिरक्षा की, उनका रिचर्ड ड्यूनिंग नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, दवा कितने प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर है दो, दवा दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात और आपको अगर क्रैश कोर्स का पूरा वीडियो चाहिए, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं बता देता हूँ क्रैश कोर्स के वीडियो में कैसे जाना है। देखिए, तो आप चैनल के जब होम पेज में जाइएगा तो आपको कुछ इस तरह का होम पेज खुलेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ से प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लेलिस्ट दिख रहा है ना, ये जो प्लेलिस्ट दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्लेलिस्ट पे जब क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा खुलेगा, मैंने बैठ कर रखा है ताकि आप लोग को समझाने में आसानी हो सके, ठीक है। प्लेलिस्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है क्रैश कोर्स फॉर ट्वेल्थ, और उसके बाद दिख रहा है मैथ। अगर आप मैथ का अभी तक जितना ट्वेल्थ का अपलोड हो चुका है उसमें जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर सिर्फ क्रैश कोर्स में ऑल सब्जेक्ट वाले चाहते हैं, सिर्फ क्रैश कोर्स का वीडियो है, इसमें सिर्फ क्रैश कोर्स का वीडियो है, और इसमें ट्वेल्थ के मैथ से रिलेटेड सारे वीडियो हैं, ठीक है, अभी तक जितने अपलोड हुए हैं सारे का मतलब,
तो इसमें अगर क्रैश कोर्स पे जाना है, साइंस का क्रैश कोर्स है इसमें, और हिंदी, NRB, इंग्लिश ये सब भी इसमें है, ठीक है। क्रैश कोर्स जितने भी वीडियो हैं इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए मैं ये आपको खोल कर दिखाता हूँ, खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए ये आपको खुल गया है, यहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, यानी जितने के वीडियो हैं यहाँ पे आपको सारे, अभी तक 14 वीडियोज हो चुके हैं, तो 14 वीडियोज आपको दिख जाएंगे। अब जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपका 16 हो जाएगा इसमें, ठीक है।